जयराम साहब का इंतजार है हरी झंडी का, जैसे उनका हुआ बहुत दिन से बन रहा, बन के मतलब रेडी हो चुका है पूरा। हाँ, इधर बहुत बढ़िया ऐसी है, बचने के लिए एक बेहतर उपाय है और खास करके 1 तारीख को चालू होगा है। और सुविधा का अगर देखिएगा तो काफी बेहतर यहाँ पर बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है पटना साहिब रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है, 1 पर है। गाड़ियों का आवागमन है और तमाम पैसेंजर एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ इसलिए आया हूँ और ये मैं वजह बतलाता हूँ इसका। यहाँ जब पीछे देखिएगा तो वातानुकूलित प्रतीक्षालय पटना साहिब है। ये कह सकते हैं कि पटना जंक्शन के बाद अगर कोई स्टेशन एसी वेटिंग रूम है तो वो है पटना साहिब रेलवे स्टेशन के बाद। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है और सुविधा का अगर देखिएगा तो काफ़ी बेहतर यहाँ पर बना है। कोशिश हमारी, लेकिन अभी यहाँ पर लॉक किया गया है, आम जनों के अभी प्रवेश निषेध है, बंद है यहाँ पे। कुछ अंदर का दृश्य मैं आपको दिखलाता हूँ, ये है वो भी पटना साहिब रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ऊपर जब देखिएगा तो ये सब एसी है, एयर कंडीशनर है। ऐसी सुविधा अगर पटना सिटी में देखिएगा तो पटना सिटी में तो गुलजार बाग भी है, लेकिन राजेंद्र नगर, लेकिन खास करके सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो जन्मस्थली है उसको ख्याल में रखकर, ध्यान में रख के, क्योंकि सिख संगत यहाँ पे आते हैं दर्शन करने, मत्था टेकने के लिए हजारों की संख्या में, उसी चीज़ को देखने के लिए। बस सिर्फ दानापुर रेलवे डिवीजन जो है DRM साहब का इंतजार है हरी झंडी का, जैसे उनका हरी झंडी होगा वैसे यहाँ पर आएंगे और एक भव्य रूप से यात्रियों के लिए एक बेहतर सौगात हो जाएगी। भीषण गर्मी तपिश के वजह से लोग पंखा में तो गर्मी रहता है, लेकिन अब अगर आप इन करेंगे एयर कंडीशनर में बैठने में आपको सुविधा और एक बेहतर महसूस करेंगे। अधिकारी हो चाहे फिर स्टेशन मास्टर, उनसे मैंने बात करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो अभी फिलहाल बात करने से साफ इनकार कर दिया। बोले क्या कि जब तक दानापुर रेल मंडल से DRM का आदेश नहीं आता है तब तक मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि आम यात्रियों के लिए सुविधा को ख्याल में रखते हुए ये एयर कंडीशनर वेटिंग रूम का आप जब देखिएगा तो काफ़ी सुविधा है यहाँ पर। और जो भी गर्मी से जो जूझ रहे हैं यात्री जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, भीषण गर्मी की तपिश है, उसको बचने के लिए एक बेहतर उपाय है और ख़ास करके पटना साहिब रेलवे स्टेशन में ऐसा पहली बार। चलिए कुछ यहाँ के यात्री है या स्थानीय है उनसे भी जानकारी लेते हैं। विमल, AC अभी वेटिंग अभी चालू नहीं हुआ है? नहीं नहीं, चालू नहीं हुआ है, बहुत दिन से बन रहा, बन के मतलब रेडी हो चुका है पूरा। हाँ, इधर बहुत बढ़िया ऐसी है के लिए स्टेशन में तो पहली बार है। हाँ, सब बहुत बहुत आदमी को बहुत दिक्कत होता है, गर्मी में बैठना पड़ता है। उधर वेटिंग रूम है पुराना वाला, उसमें बहुत दिक्कत होता है, नल जल का भी और क्या उसमें बहुत चालू हो जाने से अच्छा सुविधा हो। हाँ हाँ, बहुत सुविधा हो जाएगा लोगों का चालू होने से। बोला था मतलब कि 1 तारीख को चालू होगा, कितना 1 तारीख निकल गया, मतलब सरकार का चीज़ है ना, उसके अपने मन से होगा।